नमस्कार, राधा की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ अंडा मसाला की रेसिपी शेयर करने वाले हैं। अंडा मसाला तीखा, चटपटा और बहुत ही ज्यादा टेस्टी रेसिपी है। आप लोग इसे एक बार जरूर ट्राई करें। तो चलिए आज हम अंडा मसाला बनाते हैं। अंडा मसाला बनाने के लिए मैंने लिया है उबले हुए अंडे, 2 बड़े साइज का प्याज, 8-10 कली लहसुन, 1 बड़ा टुकड़ा अदरक, ग्रेट किया हुआ नारियल, 2 चम्मच बेसन, बेसन की जगह आप चना दाल या सत्तू भी ले सकते हैं, जीरा, हींग, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, नमक, गरम मसाला, धनिया की पत्ती। तो चलिए अंडा मसाला बनाते हैं। अब सबसे पहले अंडों में कट लगाएंगे इस तरह से, इसी तरह से सारे अंडों में कट लगाएंगे। सारे अंडों में कट लगा लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और ये 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच नमक। अब सभी सामग्री को अंडों के साथ मिक्स कर लेंगे इस तरह से, या आप चाहें तो हाथ से भी मिला सकते हैं। अंडे में सारे मसालों की कोटिंग हो गई है। अब हम अगले प्रोसेस में चलते हैं। अब सबसे पहले गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाएंगे। हमने लोहे का कढ़ाई लिया है क्योंकि लोहे के बर्तन में कोई भी सब्जी बनाने से उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है, बिल्कुल सौंधापन लगता है। तो सबसे पहले कढ़ाई में डालेंगे बेसन और बेसन को लगातार चलाते हुए भूनेंगे, बेसन को जलने नहीं देंगे। बेसन को लगातार चलाते हुए भून लिया है, बेसन हमारा भून चुका है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम सेम कढ़ाई में डालेंगे 2 चम्मच सरसों का तेल, 2 चम्मच तेल को गरम होने देंगे। तेल गरम हो चुका है, अब हम डालेंगे कटा हुआ प्याज और प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। प्याज थोड़ा भून चुका है, अब हम डालेंगे कटा हुआ अदरक और ये लहसुन, लहसुन और अदरक को भी भूनेंगे प्याज के साथ। अब अदरक, लहसुन और प्याज भून चुका है, अब इसी में डालेंगे ग्रेट किया हुआ नारियल और इसको भी भून लेंगे। प्याज, लहसुन, अदरक और नारियल सभी सामग्री अच्छी तरह से भून गए हैं। अब हम इसको निकाल लेते हैं। अब हम इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसका फाइन पेस्ट बनाएंगे। अब हम कढ़ाई में डालेंगे 2 चम्मच तेल और तेल को गर्म हो जाने देंगे। अब तेल गर्म हो चुका है, उसमें डालेंगे कोट किया हुआ अंडे को थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे। अंडों को फ्राई करते समय गैस का फ्लेम लो रखेंगे। लो फ्लेम पर अंडों को बिल्कुल धीरे धीरे फ्राई होने देंगे। अंडे हमारे फ्राई हो गए हैं। अगर आप चाहें तो अंडों को बिना फ्राई किए हुए भी सब्जी बना सकते हैं। अब हम अंडों को निकाल लेते हैं और अब डालेंगे तेल। तो अंडा मसाला बनाने के लिए ढेर सारा तेल का यूज करते हैं। और अब तेल हमारा गर्म हो गया है, अब डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा, ये 1/4 चम्मच हींग और ये 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ध्यान रहे मसाले डालते समय गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे। और अब ये पिसा हुआ जो हमने पेस्ट बनाकर रखा है उसको डालेंगे और सभी मसालों को मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे भुना हुआ बेसन और इसको मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ। अब हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच गरम मसाला और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक।
इसे मिक्स कर लेंगे और अपने गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखेंगे और मसालों को तेल आने तक भूनेंगे। मसाले हमारे अच्छी तरह से भून गए हैं, आप देख सकते हैं मसालों से तेल आना शुरू हो गया है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, आपको जितना आवश्यकता हो उसके हिसाब से पानी ऐड करिए और अब इसको मिक्स कर लेंगे और अपने गैस का फ्लेम हाई करेंगे और मसालों में उबाल आने देंगे। करी में उबाल आ गया है, अब हम अपने गैस का फ्लेम मीडियम करेंगे और मीडियम फ्लेम पर करी को पकने देंगे थोड़ी देर। ग्रेवी हमारी थोड़ी देर पक चुकी है, अब हम अंडे डालेंगे, अंडों के साथ ग्रेवी को मिला लेंगे और मीडियम फ्लेम पर अंडों के साथ ग्रेवी को 10 मिनट और पकने देंगे। अंडा मसाला हमारा बनकर तैयार है, अब हम डालेंगे धनिया की पत्ती। धनिया पत्ती डालने के बाद गैस ऑफ करेंगे और इस अंडा मसाला को गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। अंडा मसाला को हमने सर्व कर लिया है, आप देख सकते हैं बिल्कुल ढाबा स्टाइल अंडा मसाला बनकर तैयार है। आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करिए। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस अंडा मसाला को चावल के साथ या रोटी के साथ एंजॉय करिए।